मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं राहतगढ़ किले पे और वहाँ का आपको दिखाने वाले हैं कैसा क्या किला है। तो साहिब भाई एक्साइटेड हो किले घूमने के लिए? बहुत ज़्यादा हम हैं। और ये भैया है, बहुत मज़ा आने वाला है। ये भैया कार लेके जा रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? जावेद। तो ये यहाँ सागर के ही रहने वाले हैं ना? हाँ। लोकल के ही है जी भैया, ये लगा लेते इधर की साइड। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो भूल ही गया था, अभी हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं वो अभी नहीं बताएंगे, कभी फिर बताएंगे क्योंकि अभी हम ही नहीं जानते अभी हम कर किससे रहे हैं, तो बाद में ही बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे राहतगढ़ किले पे और वहाँ पे पूरा किला आपको टूर कराने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कैसा है। मिलते हैं अपना अगले सीन पे। तो हम लोग आ गए ना किले पे, तो गाइस किले पे आप हो चुके हैं हम लोग। तो ये किले का ही रास्ता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमें ये मिल गया है राहतगढ़ किला। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ का रास्ता मतलब किस टाइप से। ओके दिखाते हैं, ये आपके हो गए हैं मतलब कि पहला दर्शन हो गया किला का। देख पा रहे हो, बड़ा अजीब, मतलब यहाँ तक बस भी आती है, पैदल आना पड़ता है। बढ़िया। तो ये पूरा राहतगढ़ है, ठीक है। और ये राहतगढ़ का किला, इसकी स्टोरी क्या है वो मुझे तो नहीं पता। और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं। हाँ मंदिर है, दरगाह है, जैन मंदिर है इस किले के अंदर। कैसे 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 रास्ते है भैया, यही तभी तो घोड़ा चढ़ेगा यहाँ से, ग्रिप नहीं बन पाएगी। राजा गिर जाएगा भाई, राजा अगर गिर गया तो यार किला नहीं गिर जाएगा। तो गाइस हम लोग ना राहतगढ़ के किले में पहुंच चुके हैं और ये उतरने की कोशिश हो रही है कुछ लोगों की, और इन लोगों ने ना मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा खिंचाई की है, पता है। सारे राज कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और हम लोग किले को जीत लिया है, ठीक है। और एक आने दो आइए, स्टार्टिंग की तो वो रिम्पी के पास है। अच्छा ठीक है, 5 मिनट बाद जीरो करी थी तुम्हारे। हेलो इधर आइए, ये लड़के सुनते नहीं यार तुम, ये बोतल वाली क्या ली है? तो ये कुछ बाहर से ऐसा व्यू है। ओके तो गाइस ये कुछ टाइप इस टाइप से किला है, मतलब फर्स्ट एंट्री इधर से ही होती है। और बड़े आपने रोड देख ही ली होगी किस साइड से हम आए हैं इस गाड़ी को लेके। और ये बड़े ही खतरनाक गाड़ी है बड़ी, ये कुछ उसके बारे में लिखा है यहाँ पे, जो कि गंदे लोगों की वजह से फोड़ दिया गया। क्या हो गया? और ये किला की एंट्री, ऐसे सारा किला घुमाएंगे गाइस, वीडियो ब्लॉग में बने रहना। और कोई बाइक लेके आया है शायद यहाँ पे। एरा किसी राजा महाराजा का किला जो आज हमने जीत लिया है। यार कितना बड़ा होता है यार वो, देख कहाँ बैठा है वो, कोई देख पा। अल्फाज नहीं है इस किले को देख कर मेरे लिए। ये पहले मतलब ये राजा लोग ना इसको जीत लिया करते थे, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जीत लिया करते थे सिर्फ अपनी जो उनके पास सेना होती थी सामने वाले से लड़के। चलो ठीक है, उनको आने देते हैं और फिर घूमते हैं पूरा किला और घुमाते हैं आप लोगों को भी। ओके ये देखे, ये गाड़ी है अपनी, वो भैया है जो हमें काफ़ी अच्छे लगे। क्या नाम बताया था भैया? भूल गए आज़ाद, इसीलिए दूध में पानी मत मिलाया करो। अरे क्या करें, एमपी वाले करते ही ऐसा है यार, दूध में पानी मिला वाले हो ना यार।
थैली वाला दूध देते ना, जब तक यूपी में थे जब तक ठीक थे। अभी किसी और चीज का बोल रहे थे। एक बार गए वो यहाँ पे पंचवटी में, कृष्णा डेयरी नहीं है, हाँ हाँ। दूध लेने गए तो हम लोग तीन जन पहले पंचवटी में रहते थे, हाँ। पहुंचे तो दूध देने लगे तो पानी मिला दे रहे थे, हाँ। तो वैसे पहुंचे हमने कहा यार भैया क्या दे रहे, करे भैया क्या करे, हमने कहा भैया हम भी यूपी कितने लीटर मिलता तुम लोग को वहाँ पे? 40 मिलता है ना, सुबह उठा करो 30 रुपए लीटर लिया करो, सुबह उठा करो तुम्हारे सामने दूध निकाल के देगा वो भैंस का, वो कौन ठीक है ना भैंस ये बताओ कौन यार। गाड़ी से हम उतर चुके हैं अब प्लीज। तो ये कुछ टीम है अपने गाइस, और ये किला है जो हम जीत चुके हैं, और अब ये राजा हम यहाँ आके हैं, ठीक है। तो प्रजा हमारे पीछे, हम राजा हैं यहाँ के, तुम नहीं समझ पा रहे हो। ये हमारी प्रजा, ये हमारी प्रजा है, ये हमारी गाड़ी है, ये देखे। हेलो, तो गाइस ये कुछ पार्टी है और ये हमारा किला है, अभी हम पूरा घुमाएंगे, व्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा, एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं कि यहाँ के पत्थर भी कितने पुराने हैं। आइए क्या बोलो, ओ बेबी ये गेट है, वो पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो एक चीज दिखाता हूँ, रुको, ये डिस्टर्ब हम हो रहे हैं उन्हें देख देख के। क्या ये क्या लिखा देखो, ये जो खिला है इसमें एक सूचना आई है कि कहीं भी थोड़ा पैर वैर रखना तो देख ताक के रखना, छोटे छोटे क्या बोलते हैं प्रतिबिंब बने हुए हैं देवी देवताओं के, कहाँ पे उस गड्ढे में पैर चला जाएगा, गड्ढे में नहीं मूर्तियां होंगी कुछ होगा तो थोड़ा नॉर्मल से देख के, इस वजह से तुम नीचे देख के ज्यादा चलना, लिखा है ना लास्ट नहीं है, हाँ तमाशा, तो कुछ 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 इस टाइप का है, तमाशा नहीं है, समझे वही कह रहा है, मतलब कुछ यहाँ के वो था इंस्ट्रक्शन थे, हाँ, इसके लेके इंस्ट्रक्शन थे, समझ रहे हो, हाँ। बीच बीच में आपको गड्ढे टाइप के मिलेंगे और यहाँ कुछ लिखा हुआ भी मिलेगा कि तमन्ना हम तुमसे प्यार करते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड, गंदे गंदे वर्ड है, आई लव तमन्ना, आई लव तमन्ना। तो गाइस देख रहे हो कितना मतलब कि खतरनाक व्यू है यार, ऐसे किला है टूट फूट गया, पहले काफी सुंदर हुआ करता होगा, यहाँ पे गार्ड खड़े रहते होंगे, सिपाही खड़े रहते होंगे, फिर इधर से राजा एंट्री करता होगा। राजा के देखो बाहर का व्यू देखो, ये पूरा राहतगढ़ है, और वो जो नदी देख रहे हो ना, वो नदी है बीना नदी, जो इधर से ही बह रही है बीना नदी। ये मंदिर है और ये किला है आपका, ये है मेरा साम्राज्य, क्या गुरु लेकिन बस ये बड़वार क्या 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 क्या, ये चारों तरफ है एक मजार, हम लोग तो यही से आए ना, ये वाले हाउसफुल 4 वो कॉमेडी वाली के, वहाँ से वो जो मंदिर है वहीं पोस्टर लगा के yeah.
क्या? अरे ले आए हैं ये। अरे दो मिनट। यस सर, ये हमारे भैया जी है। ये भैया जी है हमारे। कितनी बार दो दो को दिखाना पड़ रहा है। किधर? वो तो बंदर है। जाओ मिलाओ, जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं, थोड़ा फोनवा संभाल के लेना ना, तो छींक लेके चले जाएंगे ना। क्या हेलो, चिड़िये बैठे हैं वो लोग। मथुरा के बंदर को ट्रेंड किया है। ठीक है, चश्मा चलाता है। अच्छा, अपने आप को देख लो बंदर देखने के लिए। स्टार्ट करना भैया, बताओ, गाइड बनो आप हमारे गाइड। आइए एकदम ऊपर आइए। तो कैसे लग रहा है भाई लोग आपको यहाँ राजगढ़ का किला देख के? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, किला देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, घूम रहे, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तो भैया आप पहले भी आ चुके होंगे ना यहाँ? हाँ, दो बार। अच्छा, तो खास बात क्या है इसकी, वो बताइए। खास बात यही है कि किसी को साथ में लेके जाओ, अकेले ना जाओ। ओके ओके, देखिए कुछ दिखा रहे हैं। ये देखो, ये प्रतिबिंब का नया है। कुछ चित्र तुम लोगों के लिए, बस छोटा छोटा निरीक्षण है, आते रहो। तो यहाँ पे राजू क्या, राजा क्या कर रहा था? अब हम आगे आपको कुछ दिखा रहे हैं। चलो भैया जाओ ऊपर, इधर से आओ, इधर से ये रहा, ये रहा जहाँ आप खड़े थे ना। अच्छा, आ जाए। हाँ हाँ, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं छत पे। ये तो बहुत अच्छी हवा आ रही है, और इससे अच्छी हवा तो कहीं कूलर में भी नहीं पाओगे। क्यों भैया, इसे कहाँ पे गए? रानी वहाँ पे हैं, ये देख लो, ये लोग तैरने वाले हैं। राज मार गए थे, अभी ये क्लास में लड़का था, बड़े अपन लड़का कूद गया, वो भी देख लीजिए, दूर से लगा पता है, मतलब कि कितना कम नहीं तो 5 मिनट का। चलो मिटा जाओ। अच्छा, ये फांसी घर है गाइस, इसमें फांसी दी जाती थी क्या? पहले। और इसमें ना बीच बीच में दरगाह भी है, मंदिर भी है, और हर चीज है मतलब। और ये फांसी घर कहाँ पे दी जाती थी फांसी? पता नहीं, कुछ टंगा नहीं है यहाँ वो फंदा, पता नहीं क्या। ये जेल है, कारागास अभी बंद है, इसके अंदर हस्तक्षेप करना मना है, मौत को बुलाना है, समझ रहे हो? चलो अर्जुन चलो, यहाँ मत खड़े रहो। तो गाइस, अभी ना बंदर का आक्रमण हुआ था उसपे। ये देख लो, ये लोग तैरने वाले हैं, राज घाट गए थे, ये क्लास का लड़का था, बड़े लड़का का कूद गया, वो भी देख लिए, डूबने लगे, पता है मतलब कितना कम नहीं 5 मिनट का। चलो मिटा जाओ। तो गाइस, अभी लोग हम लोग किला विला घूम के अभी आए एक वाटरफॉल देखने, जहाँ पे वाटर नहीं है और सूख चुका है सारा। भैया बोल रहे थे कि बारिश के टाइम में पानी मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना? लोग नहीं बनाओगे? ओ अरे मेरे साथ नहीं, प्रियांशु 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 सुन ना, वो जो रानी नहीं थी वो यहीं से पानी भर के लेके जाती। हाँ, वो अपने बाल बाल धोने आती होगी और राजा का समझ रहे हो, वो यहीं से पानी लेके जाती थी, मतलब बाल बाल धोने नहाने यहीं आती थी, या जितने भी राजाओं की ऐसी तैसी पानी सूख गया इतने जल्दी, जितने भी आगे करके यहाँ खड़ी करते। तो गाइस, हम यही बोलना चाहेंगे, रानी के शोक बड़े बड़े होते, ऐसा नहीं है वैसे वाटरफॉल है यहाँ पे, अब दिखाता हूँ, अभी वहाँ पे है बाथरूम भी है, ये कुछ ऐसा है।
वहाँ पे है वाटरफॉल, अभी चलते हैं दिखाते हैं। और कैसा है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और किला कैसा लगा वो तो बता ही देना गाइस। किसको मतलब राजा दासियों को ताड़ता था, दासियों को तो उनकी बीवी थी, दासियों को ताड़ते थे। आपके भाषा में तो सेटिंग गलत बोलते हैं, पहले दासिया ही बोलते थे। हमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। रानी वहाँ बैठ के गाना सुनती थी ईयरफोन लगा के। क्या रानी वहाँ बैठ के गाना सुनती थी उस पेड़ पे? हाँ पेड़ पे नहीं, वो छोटा सा बना नहीं उधर। अच्छा दिखा अच्छा मतलब कि वहाँ से वाटरफॉल होता है ऐसे? क्यों होता है, तो इसीलिए इसको वाटरफॉल कहते हैं। ये है उसकी परिभाषा। या गाइस यहाँ पे ना पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, पानी नहीं मिल रहा। अभी हम लोगों ने यहाँ साइड में एक घर है वहाँ से पानी मांगा है एक बोतल, पानी नहीं मिला, पूरा गला सूख गया है। ये बोतल ले लेके घूम रहे हैं, घर घर में जाके मांग रहे हैं कि पानी दे दो पानी दे दो। एक बोतल दी है इस साइड वाले घर में, और अभी बोतल भर के आएगी, ठंडा पानी मिलेगा या कैसे मिलेगा पता नहीं, देखते और फिर पीते हैं। राहतगढ़ का किला कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। वो कुछ इस टाइप से रोड है, पहाड़ी इलाका है मध्य प्रदेश में, जंगल ज़्यादा है, और इस टाइप के घर से ऐसे ऐसे पत्थर लगाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। एक वाला बोतल फिर पानी, एक बोतल और है इनके पास, देखते हैं। अभी यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है और हम लोग पानी खोज रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है, तो मांग ले अभी पानी है, वो वही मिला क्या? क्या ऐसा बोला? हाँ यार दिल खुश कर दिया, काफी बढ़िया। अरे जाने दो भाई, पानी मिलेगा, पानी वानी यहाँ का तबीयत खराब हो जाएगी यार। पानी कैसा येलो पानी? पानी यहाँ की बिल्कुल सही नहीं है, और मतलब ताजा ताजा फिल्टर। भाई टेस्ट कैसा है? टेस्ट एकदम बहुत बेकार लग रहा है। मैं पी के बिल्कुल अच्छा नहीं। ऐसा है जैसे जर का पानी नहीं होता, जर नल में जर लग जाता है उसमें जो पानी निकलता है उस टाइप का है। तो कैसा लगा आपको राहतगढ़ घूम के? बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसे दोबारा प्लान मत बनाना, इससे अच्छा वैंडम फॉल बना देना। हम पहले ही बोले थे राहतगढ़ मत जाओ, वरुण चलते हैं और तैरना तो सीख जाएंगे। अच्छा तुम ही डूबे थे क्या? नहीं हाँ। ये नहीं था। वरुण ने नहीं डूबा, लेकिन ना मेरठ में डूबा था उसने। तो भैया वरुण का प्लान बनाएंगे, आओगे ना? ठीक है बनाएंगे। बोले यार दोस्त कैसी बात करते हो। ओके तो भैया को हम बुलाएंगे जब वरुण जाएंगे, हम मजा करेंगे। यू कौन से मजे करेंगे? यू अच्छा ऐसा वाला और कैसा करेंगे? अरे यार नहीं ना हो जाता है कभी कभी, मजा आया वैसे एकदम फुल। अब इससे ज्यादा क्या लोग, प्यास के लिए तो सब मर रहे हो। अच्छा हां ब्रो, ए पानी बचा देना। ठीक है गाइस मिलते हैं अपने अगले सीन पे। अगला सीन क्या होने वाला है हमें खुद नहीं पता, देखते हैं। अब तो हम रूम के लिए निकले हैं और रास्ते में कहीं रुकेंगे ढाबे वाबे पे, क्योंकि ना तो हम कुछ खा के आए थे ना ही हम लेके आए थे, अभी तक सब खाली है और रास्ते में करेंगे